दोस्तों अभी देखा आपने किस तरह से मशीन चल रहा था। अगर इस तरह से आपका मशीन चलता है तो क्यों चलता है ये बताने वाला हूँ, और कैसे आप इस तरह से किस तरह से आप चलाएंगे तो आपका मशीन लॉन्ग टर्म तक कभी खराब नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, मैं आपको बताने वाला हूँ आप कैसे चलाएंगे तो आपका मशीन कभी खराब नहीं होगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मशीन में आएंगे और यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये सारा कपड़ा एक साइड में है। ऐसा नहीं, ऐसा रहेगा तो आपका मशीन ये ऐसे ढकर ढकर करेगा और चलेगा नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पूरा कपड़ा को एकदम बिल्कुल सेंटर में रखना है। एकदम सेंटर में रखेंगे तो आपका मशीन साउंड नहीं करेगा, ठीक है, और ढकर पकड़ नहीं करेगा। ये आपको जितना भी कपड़ा एकदम सेंटर में रखिए, जब आपका मशीन एकदम बिल्कुल कपड़ा सेंटर में रहेगा तो आपका मशीन एकदम स्मूथ चलेगा, एकदम बढ़िया चलेगा। तो चलिए मैं अभी आपको चालू कर देता हूँ। तो दोस्तों मशीन इस तरह से था तो मैं इस तरह घुमा दिया हूँ क्योंकि जगह बराबर नहीं पड़ रहा, इस तरह इसका जगह बराबर पड़ रहा। तो अभी मैं इसको चालू करके देखता हूँ कि अभी ये कैसा चल रहा है। मैं इसको अभी पूरा बराबर कर दिया हूँ। ठीक है, देखिए अभी चालू कर दिया, अभी ये पकड़ रहा है अपना इसमें। तो देख सकते हैं अभी कितना स्मूथ चल रहा है, बिल्कुल हिल नहीं रहा है, और एकदम इसका जगह भी नीचे का जो जगह वो भी बराबर होना चाहिए और कपड़ा भी एकदम बराबर होना चाहिए, तब ये मशीन बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए अभी कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, एकदम मस्त चल रहा है, सुखा रहा है एकदम आराम से। जब ये थोड़ा सा पकड़ लो उस टाइम, उसके बाद से आपको पूरा घुमा देना, जितना टाइमर लगाना उसके बाद ही लगाना। ठीक है, तो अभी सुखा लिए हैं और सुखा के देखते हैं। ये देखिए अभी ये सूख चुका है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप इस कपड़े को सुखा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।